नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 28 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 9000 के करीब। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 301 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 8979 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 5, औरंगाबाद में 9, बांका में 4, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 33, भोजपुर में 43, बक्सर में 14, दरभंगा में 4, गोपालगंज में 5, जमुई में 6, जहानाबाद में 8, कैमूर में 13, कटिहार में 8, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 15, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 13, नालंदा में 2, नवादा में 13, पश्चिम चंपारण में 6, पटना में 25, पूर्वी चंपारण में 2, पूर्णिया में 1, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 3, सारण में 3, शेखपुरा में 3, शिवहर में 2, सिवान में 2, सुपौल में 4, वैशाली में 4 मामले मिले हैं। वहीं बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार इसे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता देखा गया है। बीते 24 घंटे में 261 कोविड 19 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 6930 मरीज कोविड 19 से ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में ठीक होने वालों की दर 78% दर्ज की गई है। सुशांत सिंह राजपूत का पटना स्थित आवास बनेगा उनका स्मारक। सुशांत सिंह राजपूत के पटना के आवास को अब उनके स्मारक के रूप में पहचाना जाएगा, जिसकी जानकारी उनके पिता ने खुद जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना स्थित उनके आवास को उनका स्मारक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हमेशा के लिए लेगेसी अकाउंट के रूप में चलाया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजगीर में बनने वाले फिल्म सिटी को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की भी मांग को लेकर पत्र जारी कर दिया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने बिहार में बाढ़ की बढ़ाई संभावना। नेपाल और उसके आसपास के इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि प्रदेश की सभी नदियां फिलहाल लाल निशान से नीचे हैं, मगर निचले इलाके में बाढ़ आने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो बीते 3 दिनों से लगातार बारिश से बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक के साथ साथ अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने सरकार की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दूसरे राज्य से उद्योग को बिहार की तरफ आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने तैयार किया प्लान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए बाहर के उद्योगों को बिहार की तरफ आकर्षित करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य के बाहर अवस्थित उद्योगों के बिहार में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी लाया गया है। यह पैकेज 1 साल के लिए बाध्य होगा और इसके अंतर्गत प्लॉट और मशीनरी का स्थानांतरण और उसके स्थापना पर हुए खर्च के 80% की प्रतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही कच्चे माल के परिवहन पर 80% क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। इसके लिए खर जिले में 2 क्लस्टर को बनाया जाएगा, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय क्षेत्र से नेपाल ने हटाया अपना अस्थायी कैंप। बिहार के मोतिहारी जिले में भारतीय क्षेत्र में नेपाली सैनिकों द्वारा बनाए गए अस्थायी कैंप को बीते दिन हटा दिया गया है। एसएसबी और नेपाल अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद भारत को यह बड़ी कामयाबी मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन नेपाल ने भारतीय इलाके में भारतीय जमीन पर अपने अस्थायी कैंपों को बना लिया था। वहीं भारतीय सीमा में कैंप बनाने के बाद भारत नेपाल सीमा पर नाराजगी एक बार फिर से जोर शोर से देखने को मिल रही थी। हालांकि बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की वापसी हो गई है, जिससे सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वापसी के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर आंकड़ों का हवाला देते हुए निशाना साधा है और तमाम नीतियों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करना उनका मनमानी है। बिहार में मजदूरों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने जिंदगी में बिहारी होने की शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं की, लेकिन इस बंद में उन्हें शर्मिंदगी हुई है। बेकार वाहनों का निबंधन कैंसिल करवाने पर वाहन मालिकों को मिलेगी राहत। नहीं चलने वाले बेकार पड़ चुके गाड़ियों के निबंधन को कैंसिल करवाने के लिए वाहन मालिकों को अब राहत मिलने वाली है। खबरों की माने तो ज्यादा पुराने और डिफॉल्टर गाड़ियों के निबंधन को कैंसिल कराने वाले वाहन मालिकों को माफी में रियायत दी जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि वाहनों की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि बेकार पड़े संबंधित वाहन के मालिक द्वारा निबंधन कैंसिल कराए जाने संबंधी नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से वाहन टैक्स डिफॉल्टर निबंधित वालों की सूची में शामिल रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को टैक्स जमा करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जनहित में यह निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग में बस और ट्रकों के रोड टैक्स को दी राहत। परिवहन विभाग ने बस और ट्रक पर लगने वाले रोड टैक्स में बड़ी राहत दी है, जिसके तहत 21 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि का तिमाही रोड टैक्स अब 31 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यावसायिक पैसेंजर और मालवाहक वाहन मालिक को उनके टैक्स में 40% की एकमुश्त छूट भी दी गई है। इसकी पुष्टि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की है और बताया है कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
कोविड 19 पर स्टेट लेवल प्रतियोगिता में उज्जवल को मिला पहला पुरस्कार। कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार कला मंच, बिहार संगीत और कला महाविद्यालय पटना की तरफ से ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। यह चित्रकला प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें 300 से अधिक छात्रों ने अपनी चित्रकला बनाकर ऑनलाइन पेश की थी, जिसमें बिहार के कई स्कूल के 7 से 10 साल तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। वहीं इस प्रतियोगिता में मधेपुरा के उज्जवल को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पटना जिले के 2 छात्रों ने द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पर अपना कब्जा जमाया है। विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा ने शुरू की अपनी तैयारी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनजर तैयारियों का सिलसिला भी जोर शोर से शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार भाजपा ने भी अपना प्लान जारी कर दिया है। खबरों की माने तो भाजपा विधानसभा चुनाव के तहत रोज आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल रैली का आयोजन करवाएगी। पार्टी ने इसके लिए आने वाले 2 दिनों में कार्यक्रम भी तय कर लिया है। इसमें 2 दिनों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वर्चुअल रैली कार्यक्रम के आयोजन पर सोच विचार किया जाएगा। बिहार में मौजूदा इंटर स्कूल और कॉलेज से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर की गई जारी। बिहार में मौजूदा इंटर स्कूल और कॉलेज की जानकारी अब आसानी से वेबसाइट के माध्यम से ली जा सकेगी, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर स्तरीय स्कूल और कॉलेज की सूची और संकाय बार सीटों की संख्या www.ofssbihar.in पर जारी कर दिया है, जिस पर जाकर आसानी से इस जानकारी को प्राप्त की जा सकती है। किसी वेबसाइट पर बिहार बोर्ड की तरफ से स्कूल कॉलेज की सूची अपलोड कर दी गई है। इतना ही नहीं, सभी प्राचार्य से इस वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करवाने का विकल्प भी दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ बिहार को बेहतर बनाने की तैयारी करने का जारी किया आदेश। उक्त आदेश लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से बातचीत की है और मीटिंग में चिराग पासवान ने सभी को चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। साथ ही आने वाले दिनों में बेहतर बिहार और बिहार फर्स्ट बनाने की लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सच्चा लोजपाई वही है जो बेहतर बिहार बनाने के लिए तत्परता के साथ काम करेगा। खेत में हल और बैल लेकर पहुंचे नाना पाटेकर को देखने के लिए जुटे लोग। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर बीते दिन मोकामा स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही खेती के परंपरागत साधन हल बैल से खेत की जुताई भी की। इस दौरान नाना पाटेकर को देखने के लिए ग्रामीण के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद नाना पाटेकर ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और जल्द ही फिर से यहां आकर ग्रामीणों के साथ 2 से 3 दिन बिताने का वादा भी किया। राजद के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने भी पार्टी छोड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और राजद पार्टी से अलविदा कहने वालों की कतार भी लंबी होती जा रही है। जहां कुछ दिनों पहले 5 विधान पार्षदों ने पार्टी को अलविदा कहा था, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन बिहार के भोजपुर जिले के प्रदेश उपाध्यक्ष और संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने भी राजद को इस्तीफा दे दिया है। जानकारों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विजेंद्र यादव ने यह फैसला उठाया है। बिहार के एक आईएएस अधिकारी को मिला अतिरिक्त प्रभार। बिहार के एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, जिसकी पुष्टि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए एक अधिसूचना के बाद हुई है। इस नई अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव आईएएस प्रेम सिंह मीना को महादलित विकास मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मधुबनी के गांव में बने खादी के जनेव हैं कुछ खास। जनेव बनाने का काम प्राचीन काल से महिलाएं करती आ रही हैं। वहीं बिहार के मधुबनी जिले के 5 दर्जन से अधिक गांव में यह काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहां के बने जनेव कुछ खास होते हैं और उनकी मांग काफी ज्यादा देखने को मिलती है। 100 से अधिक महिलाएं इस काम में स्थायी रूप से लगी होती है। कोविड-19 के माहौल में बंद में भी यह काम जारी है। जब मांगे होती है तो आपूर्ति भी देखने को मिलती है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी मांग काफी ज्यादा देखने को मिलती है। परिवहन विभाग ने बिहार में फिर से शुरू किया अपना अभियान। बिहार में वाहन जांच की विशेष अभियान की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है, जिसके तहत बीते दिन पटना समेत राज्य भर में हेलमेट सीट बेल्ट के साथ प्रेशर हॉर्न के विशेष जांच मुहिम चलाई गई, जिसके तहत जिलों में DTO, MVI, ESI और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बार फिर से वाहन की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पूरे जिलों में 1325 वाहनों की जांच की गई है, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वालों से 578 वाहनों से राशि वसूली गई है। बिहार में पहुंचा टिड्डी दल। टिड्डी दल का आगमन बिहार के कई जिलों में हो गया है, जिसके तहत बीते दिन बिहार भोजपुर और रोहतास जिले में इनके दल की भारी संख्या देखी गई, जिसके बाद अब किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने की आशंका सताने लगी है। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही इन दलों को भगाने की तैयारी पूरी कर रखी थी, जिसके तहत किसान ने आनन फानन में ढोलक झाल सहित विभिन्न तरह की आवाज निकालने वाले उपकरणों की सहायता से टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है।
स्वर्ण सेना और भाजपा नेता ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए मांगा इंसाफ। स्वर्ण सेना और भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए बिहार में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत अध्यक्ष भागवत शर्मा ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ सुनियोजित तरीके से ऐसा किया है, क्योंकि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता से काफी ज्यादा परेशानी थी। वहीं भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत करने की बात कही है। बिहार में अंचलाधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी का तबादला किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना में साफ तौर पर बताया गया है कि विभाग की तरफ से बिहार के कई जिलों में 255 सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जून महीने में हर साल बड़े पैमाने पर अंचलाधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, और यही कारण है कि जून महीने में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की तरफ से इतने अंचलाधिकारी का तबादला किया गया है। मुकेश सहनी ने सत्ताधारी सरकार को लिया आड़े हाथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सरकार के रहते विकास के नाम पर उल्टी गंगा बह रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जनता काफी ज्यादा परेशान चल रही है। कोविड-19 की वजह से जनता ऐसे ही परेशान थी, और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम नागरिकों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने औद्योगिक नीति में काष्ठ आधारित उद्योग को शामिल करने का किया समर्थन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन औद्योगिक नीति में काष्ठ आधारित उद्योग को शामिल करने पर सहमति जता दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इससे राज्य के किसानों के करोड़ों पेड़ को नया बाजार मिलेगा। 2012-13 से 2018-19 के बीच कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया, और यही कारण है कि किसानों ने निजी भूमि पर 5 करोड़ पॉपुलर सहित अन्य प्रजाति के 9.2 करोड़ पौधे लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस नीति की मदद से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। विराट कोहली के आलोचकों को कपिल देव ने सुनाई खूब खरी खोटी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर आए दिन विराट कोहली को लेकर के भारतीय टीम को अब तक का कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं जीत दिलवाने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जिस पर अब महान भारतीय खिलाड़ी कपिल देव ने विराट कोहली का पक्ष लेते हुए सबकी फटकार लगाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप जीतना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर टीम तीनों प्रारूपों में अच्छा खेलती है तो इसका पूरा श्रेय विराट को मिलना चाहिए। मौजूदा क्रिकेट टीम पर कोई दबाव नहीं है, मेरा मानना है कि वो अच्छा खेल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनोज बाजपेयी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बीते दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर डिजिटल को एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक मंच बताया है, जहां पर दर्शक बड़े और छोटे बैनर के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान मनोज बाजपेयी ने आगे कहा कि मैं सालों से कह रहा हूं कि बॉक्स ऑफिस सिनेमा की गुणवत्ता या योग्यता को परिभाषित नहीं करता है। छोटी फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में जगह ही नहीं है, बस 100 करोड़ या उससे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों को ही अच्छा माना जा रहा है। Amazon Flipkart पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर दिया जाएगा अब स्पेसिफिकेशन। Amazon Flipkart पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स का अब स्पेसिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके तहत जो भी सामान जिस भी देश में बना है उसकी पूरी जानकारी सामान के साथ जारी की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पर सभी ई कॉमर्स कंपनियों को उनके प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया है या नहीं इस बात की पुष्टि करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीषा कुमारी, धनंजय कुमार, कैलाश कुमार, दिलीप कुमार, मुकेश कुमार, पूजा कुमारी, मनोज कुमार चौधरी, गुलाबचंद अलबेला, रजनीकांत कुमार, मोहन कुमार, कौशल कुमार, सुजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।